मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। आशा करता हूं कि भले चंगे हैं। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिली, जीपीएस रॉबिन्सन फेसबुक में जितने परमेश्वर के लोग हैं, आप सभी लोगों को वापस चौथे तारीख को जो परमेश्वर का वचन मैं आपको दे रहा हूं, उसके वचन के द्वारा बंद कर, उसके वचन को सुनकर जो उसके अनुसार चलते हैं विशेष लोग हैं। आज के वचन पर हम चलते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 ऐसा कहता है, उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमेन। शैतान का विरोध करने के लिए सबसे पहला एक औजार है अभिषेक, आत्मा में भरकर प्रार्थना कर जो करते हैं उनको देखकर वो उसको एलर्जी हो जाता है। नंबर 2 है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। इसीलिए यीशु राजा ने जो है शैतान को वैसा ही जीता, जब उसने उपवास किया और प्रार्थना किया। आमेन। जब वो भूखा रहा तो कब आया, कब वो हमारे पास आएगा? हम किसी न किसी समस्या में फंसे हुए होंगे तभी वो अंदर घुसेगा। वहां कहता है मनुष्य सिर्फ खाने के द्वारा, रोटी के द्वारा ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से वो जिएगा। तो आप प्रतिदिन बाइबल रीडिंग में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अच्छी तरह पढ़िए, ठीक है। दूसरा, विश्वास कीजिए, ठीक है। तीसरा, उसे ध्यान करना चाहिए, ठीक है। इन 3 को, पहला पढ़िए, फिर विश्वास कीजिए, फिर उसे ध्यान कीजिए। चौथा एक है, वो मालूम है क्या? उसे जांचिए। आमेन। उसे जांचना चाहिए, पुराना नियम कैसा है, नया नियम कैसा है, प्रतिदिन के काम में, बच्चों के काम में, बिजनेस है, सभी चीजों में। जब सुबह उठते हो तो आपके पास बहुत कमिटमेंट होगा, फिर भी आप एक हफ्ते में कम से कम 3 समय निकाल कर जांचिए, ठीक है। अक्सर ध्यान कीजिए, आज जो मैंने वचन पढ़ा उसमें परमेश्वर ने जो आपके हृदय को छुआ, जो वचन आपको छुआ गया है, उसे प्रतिदिन बात कीजिए। अपना मुंह खोल कर बोलिए कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया। अपनी पत्नी से कहिए, अपने बच्चों के साथ उसे बांटिए, दोस्तों के साथ उसे बैठिए और कहिए कि परमेश्वर मुझसे बात किया, बहुत बल मैंने पाया। शायद वो निर्बल होंगे और उस निर्बलता में वे बल पाएंगे। तो इस वचन के द्वारा, बाइबल कहता है ना, योहन्ना रचित सुसमाचार 6:63 कि मेरा वचन जो है आत्मा और जीवन है। तो अभिषेक में परमेश्वर का सामर्थ है और वचन में स्पिरिट है, दूसरा उसमें लाइफ है। आमेन। इसीलिए मैं कह रहा हूं हम जी रहे हैं इस वचन के द्वारा, वचन पर निर्भर होकर। पुराने नियम में, नए नियम में पवित्र लोगों ने जिया, आप और मैं भी ऐसे ही जी रहे हैं। और ज्यादा वचनों को ज्यादा पढ़िए, अच्छी तरह से सीखिए, उसे पढ़िए, विश्वास कीजिए, ध्यान कीजिए और जांचिए। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रार्थना कर लेते हैं, समर्पित कीजिए और प्रार्थना करते हैं। हमारे पवित्र पिता, आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए यीशु मसीह हमारे राजा, तेरे नाम के द्वारा हम आते हैं हे प्रभु, हालेलुया। तेरे वचन के द्वारा तेरे बच्चों को भर। सभी प्रकार की मूर्ति पूजा करने वाला अब्राहम, उत्पत्ति 12 में जो पहली बार आपसे मिलता है, तब जो प्रतिज्ञा आपने दी उस पर भरोसा करके 75 से लेकर 170 तक वो वैसा ही उस वचन के अनुसार चला। उसी तरह हे प्रभु, अब्राहम, ईसाक, याकूब, तेरे सभी संततियों को जो तूने अपने वचन के द्वारा भरपूर किया, आज भी हम तेरे वचन पर भरपूर राजा मात्रा में चलने के लिए हमारी सहायता कर। तेरे बच्चे जो वचन के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा तू भरपूर कर। इस प्रार्थना को सुना है, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। परमेश्वर के वचन नामक इस औजार को हाथ में लेकर शैतान के सभी क्रियाओं को जीत कर जय पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस प्रार्थना को सुनकर तूने जय दिया, तेरी कोटि धन्यवाद, कोटि धन्यवाद। तेरे बच्चे, तेरे बच्चों के बच्चे, संतति संतति, पीढ़ी पीढ़ी तक आशीषों से भरपूर कर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। वचन आपके जीवन में बहुत बड़ा आनंद लेकर आने वाला है। दूसरों को आप खुशियां देते रहो, अगर देना चाहते हो तो इसे शेयर कीजिए। अपना कमेंट्स जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।